नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे ये वीडियो हमारी कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए है। कल्पना शक्ति का क्या उपयोग होता है? कल्पना शक्ति विजुलाइजेशन पावर। विजुलाइजेशन पावर का उपयोग होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। जब भी आप अपनी चीज़ों को पाने की कल्पना करते हो, आपकी इमेजिनेशन उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। या हिप्नोसिस में इसका उपयोग होता है। जितनी अच्छी आपकी कल्पना शक्ति होती है, उतनी आसानी से आप हिप्नोसिस में या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा सकते हैं। या इसका उपयोग होता है एस्ट्रल ट्रेवल में। एस्ट्रल ट्रेवल में भी अगर आपको पास्ट लाइफ में या एस्ट्रल ट्रेवल में जाना है, तो दोनों केसेस में आपकी विजुलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। बहुत से लोगों की विजुलाइजेशन पावर बचपन में अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इसे खो देते हैं। अब इसके पीछे जो भी कारण रहे हों, लेकिन अंततः हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। एक एक मुख्य कारण उनमें से ये है। और जिस पर्सन की भी विजुलाइजेशन पावर वीक होती है, वो इनमें से किसी भी चीज़ का प्रॉपर ढंग से आनंद नहीं ले पाता और ना ही ध्यान की गहराइयों में उतर पाता है, क्योंकि विजुलाइजेशन पावर को हमने गंवा दिया है। विजुलाइजेशन, क्या आपकी विजुलाइजेशन पावर अच्छी है? एक बार इसको चेक करके देखते हैं। आप एक कैंडल के बारे में, मैंने बोला कैंडल, जस्ट थिंक अबाउट ए कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती के बारे में इमेजिन करें। कैन यू इमेजिन दैट? क्या आपके मन में ये आ रही है? कैंडल बिल्कुल साफ सुथरी जलती हुई दिखाई दे रही है। एंड कैन यू होल्ड इट इन योर माइंड फॉर अराउंड 20 सेकेंड्स? क्या 20 सेकेंड तक आप कैंडल को अपने दिमाग में होल्ड कर सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को, और इस दौरान आपके मन में कोई और विचार नहीं आता? अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो बिंगो, आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। अब आप एक बार देख लें और अब इमेजिन करें, तो शायद आप इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख पाएंगे। अब सिमिलरली मैं आपको बोलता हूं कि आप बर्फ से ढके हुए मैदान पर चल रहे हैं, बर्फ है आपके पैरों के नीचे, स्नो है। कैन यू फील दैट? क्या आपको फील हो रहा है? अगर फील हो रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको फील हो रहा है। सिमिलरली आप समुद्र के किनारे पानी पर चल रहे हैं, कैन यू फील दैट? क्या आपको महसूस हो रहा है कि आप पानी पर चल रहे हैं? आपने एक खट्टा नींबू अभी खाया, एक खट्टा नींबू खाया, उसको काटा, मुंह पे जीभ पे रखा और फील किया, कैन यू फील दैट? क्या आपको खटास का अनुभव हो रहा है? आपने अभी अभी एक गुलाब के फूल को स्मेल किया, फ्रेग्रेंस उसकी ली, कैन यू स्मेल दैट? क्या आपको ये फील हो रहा है? आपको स्मेल आ रही है? अगर आ रही है, तो आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है। हमारी कल्पना शक्ति के 5 एस्पेक्ट होते हैं। विजुअल एस्पेक्ट, दिख पाना, ऑडिटरी एस्पेक्ट, ऑडिटरी यानी कि सुन पाना, उस चीज सेम चीजों को रिकलेक्ट कर पाना, कनेस्थेटिक फीलिंग वाला एस्पेक्ट, मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ऐसी फीलिंग आई, वैसी फीलिंग आई, ये फीलिंग भी एक एस्पेक्ट है। सिमिलरली ऑल्फैक्टरी या स्मेल एस्पेक्ट, जैसे मैंने अब आपको कहा, स्मेल अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको फील कर पा रहे हैं। सिमिलरली टेस्ट एस्पेक्ट, इनमें से कोई भी चीज अगर आपके अच्छे काम कर रही है, एक ना एक चीज हो सकता है अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कि विजुलाइजेशन पावर में कोई ना कोई पार्ट आपका मिसिंग हो, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। एनएलपी में सब मोडालिटीज होती हैं, हम उसकी गहराई में जाते हैं। सब मोडालिटी का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज के बारे में जब हम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सोचूं आपका जो बचपन का स्कूल था वो कैसा दिखता था, जब आप स्कूल में जाते थे बचपन में, वो कैसा दिखता था, उसका फ्रंट कैसा था, उसका बैक कैसा था, इंटीरियर कैसे थे, क्लासरूम कैसा था, कौन सा कलर था, कैन यू रिमेंबर दैट? जस्ट ट्राई टू गो डीप इन टू द डिटेल, उसकी थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करें, कैसा दिखता था, आपकी जो दिमाग में पिक्चर बन रही है वो पास है या दूर है, मतलब हाउ आर यू फीलिंग दैट, कैसा लग रहा है। सिमिलरली कोई ऑडिटरी सब मोडालिटीज होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को याद करते हैं, तो कैसी, जैसे सपोज अगर आपका कोई पेट है घर में, पालतू डॉगी है या कोई और पेट है, तो उसकी आवाज कैसी है, कैन यू रिमेंबर दैट? क्या बचपन में मम्मा आपको आपके जिस बचपन के नाम से बुलाती थी, क्या आप उस आवाज को याद कर सकते हैं? आपके दोस्त आपको जिस नाम से बुलाते थे, क्या आप याद कर सकते हैं किसी दोस्त की आवाज को, उसकी आवाज की टोन कैसी थी, उसकी आवाज में वॉल्यूम कैसा होता था, कितना तीखापन था, कितना बास थी, कैन यू गो फॉर द डिटेल्स? नाउ सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं ऑल्फैक्टरी स्मेल, किसी खास तरह की स्मेल को याद करें, आप किसी बागीचे में गए और बहुत खूबसूरत वहां पर अलग अलग टाइप के फूल थे, उनके अलग अलग टाइप की स्मेल थी, कैन यू रिमेंबर सम स्मेल? एक आम की स्मेल आपको याद आ सकती है, कैसी लगती है, कैसी भीनी भीनी खुशबू होती है, कैन यू रिमेंबर दैट? नाउ सिमिलरली कैन यू हैव सम काइंड ऑफ टेस्ट फीलिंग एज वेल? याद करके देखें, आपने कभी कई दोस्तों के साथ मिलकर आइसक्रीम खाई थी और कितना अच्छा टेस्ट था, कौन सी आइसक्रीम थी, कैसा टेस्ट आया था, कैसे कैसे फ्लेवर उसके अंदर ऐड थे, उसकी डिटेल में जाने की कोशिश करें, उसके विस्तार से उस टेस्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो ये है सम मॉडालिटीज। मैं आपको किसी और बड़ी कल्पना में लेकर चलता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जगह है जहां पर आप, एक ऐसा बागीचा है जिसमें आपके पैरों के नीचे घास है,
आप चल रहे हैं, आपको ऊपर से सूरज की धूप लग रही है, आपको पसीने आ रहे हैं। सिमिलरली आपको पास में पेड़, बहुत सारे ग्रीनरी है, आपको बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, पक्षियों के चहचहाने की सुंदर आवाज़ आ रही है, साथ में आपके दोस्त हैं वो भी आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपने साथ में ही बहुत सारे फूल खिले हुए हैं उनकी स्मेल आपको आ रही है, साथ में आपने कोई आपने अपने पॉपकॉर्न साथ में ले रखे हैं, आप उनको खा रहे हैं, उनका टेस्ट फील करके देखें क्या ये पांच के पांच सब मोडालिटीज क्या आप फील कर पा रहे हैं, और मोडालिटी का मतलब सेंसेस, और सेंसेस के अंदर और गहराई से जा पा रहे हैं, क्या उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, जैसे पॉपकॉर्न अभी आपने मुंह में रखा, हाउ आर यू फीलिंग दैट, कैसा टेस्ट आ रहा है, कैन यू रिकॉल द टेस्ट एग्जैक्टली। तो ये देखिए कि कौन सी सेंस आपकी वीक है, आप उस पर थोड़ी सी मेहनत करें, उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें, इसकी आप प्रैक्टिस करें, अगर 5 से 7 मिनट आप डेली प्रैक्टिस करें तो एक समय ऐसा आएगा जब आप पाएंगे कि आप बहुत इजीली चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं। तो ये जो ऐसी ये कल्पना शक्ति जो है ये भी याद करने से बढ़ती है, तो आप इसको याद करें और अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत करें, आप यकीन मानिए इससे आपको बहुत 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 फायदा होगा। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, उनके ऊपर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, टोटल फेल, बिकॉज उनकी कोई भी कल्पना शक्ति काम नहीं करती, कुछ भी काम नहीं करता उनके लिए, तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। इसका मतलब है आपके जीवन की बहुत बहुत सारी चीजों को आप मिस कर रहे हैं अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरह से अगर आप 5 मिनट की डेली प्रैक्टिस करें, मैं कोशिश करूंगा इस पर एक गाइडेड मेडिटेशन बनाकर डालूंगा ताकि आप उसकी फीलिंग में जा सकें, और अगर आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े दिनों में आपके कल्पना शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, छोटा सा वीडियो, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, माइंड गुरु इंडिया मिशन जीनियस माइंड के नाम से वेबसाइट को विजिट करें, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।